बिल्कुल इब्तदाई आयात हैं सूरह बकरा की पहले पारी की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपनी किताब मुकद्दस का जिक्र फरमाया था, फिर इंसानों की तकसीम करते हुए ये बताया कि दुनिया में इंसान कितने किस्म के लोग हैं और वो कौन लोग हैं जो कुरान की इस हिदायत से बेरायाब हो सकते हैं, मुस्तफीद हो सकते हैं, और किन लोगों को ये कुरान हिदायत नहीं देता, ये इस एतबार से तकसीम की गई। तो मोमिनों का ज़िक्र हुआ, मुत्तकी जिनको कहा गया, उनके औसाफ बताए, तकरीबन 5 आयात में ये बात बयान फरमाई गई। उसके बाद फिर कुफार का ज़िक्र फरमाया, बदतरीन काफिर जिनके दिलों पे मोहरें लग जाती हैं, उनका 2 आयात के अंदर ज़िक्र फरमाया। फिर काफिरों की ही एक बड़ी बदतरीन शक्ल है जिनको मुनाफिक कहा जाता है, उनका तज़किरा शुरू हुआ और उस सिलसिले में 13 आयात नाजिल की गई। और हमने ये बताया था कि ये चूँकि काफिरों में एक सबसे ज़्यादा खौफनाक किस्म के की मिसाल है, जिनके नुकसानात बहुत हैं और जिनके ख़तरात बहुत हैं और हमेशा पेश आते रहेंगे, इसलिए इनका ज़िक्र बड़ी तफसील से किया गया इस मकाम पर भी और दूसरी जगहों पर भी। जैसे सूरह मुनाफिकून पूरी इस इनके नाम के साथ ही एक सूरत नाजिल हुई, तो हम इसी उनवान में अभी गुफ्तगू कर रहे हैं। मुनाफिकों का बयान चल रहा है, मुनाफिकों की पहचान बताई गई, उनका तरीका वारदात बताया गया, उनकी अलामतें बताई गईं और ये कितने ख़तरनाक हैं मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, ये सब बातें पीछे जिक्र हुई हैं। आज की इन आयात में मुनाफिकों की हकीकत को मिसालों के ज़रिए से वाज़ किया जाएगा। ये मिसालें दी गई हैं, कुरान पाक की मिसालें बड़ी शानदार होती हैं और बिल्कुल दिल में उतर जाने वाली मिसालें होती हैं, दिल में उतर जाने वाला अंदाज़ होता है, और इस किस्म के तजरिबात इन मिसालों के अंदर रखे जाते हैं जो सबको पेश आ सकते हैं और हर कोई उनको खुली आँख से देख सकता है और समझ सकता है। तो यहाँ भी कुछ इसी किस्म की मिसालें दी गई हैं। मसलन पहली मिसाल जो इन मुनाफिकों की दी गई है वो ये है कि फरमाया कि जैसे कोई शख्स आग रोशन करे, मसलहुम का मसल लदी इस्तौकद नारा, जैसे किसी शख्स ने आग जलाई हो, आग रोशन की हो। इस्तौकद कहते हैं आग जलाने को, आग रोशन करना, इसी से एक लफ्ज़ बना है मौकिद। आप कॉपी कलम साथ रखें तो अल्फाज भी लिख लिया करें, अच्छा इससे आपको फ़ायदा होगा, अरबी समझने में आसानी होगी। इस्तौकदा ही से एक लफ्ज़ मौकिद बना हुआ है, मौकिद कहते हैं चूल्हे को जिसमें आग जलाई जाती है, मौकिद है। तो इस्तौकदा के माने आग को रोशन करना, आग जलाना, इसी से लफ्ज़ वकूद भी है, वकूदुहन नार वल हिजारा, जो आगे आएगा तो वकूद भी उसमें भी यही मानता है, उसके माना ईंधन के आते हैं और वो भी जलाने की चीज़ है। तो फरमाया कि इन मुनाफिकों की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग को रोशन किया, आग जलाई, आग जलाई, फलम्मा अदाअत मा हौलहू, बस जब अदाअत, अदाअत का मतलब है रोशन हो जाना या रोशन कर देना, जब रोशन हो गया उसका इर्द गिर्द या रोशन कर दिया उस आग ने उसके इर्द गिर्द को, तो जब उस आग जलाने वाले का माहौल रोशन हो गया, ये माहौल का लफ्ज़ पूरा ऐसे उर्दू में इस्तेमाल होता है। देखें माहौल वो चीज़ होती है जो हमारे आसपास की फ़ज़ा है जहाँ हम रहते हैं उसको माहौल कहते हैं, और यहाँ भी माहौल से मुराद क्या है, जो उसके इर्द गिर्द है, माहौल, माहौलहू। तो जब रोशन कर दिया उसके इर्द गिर्द को उस आग ने, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो ले गया अल्लाह उनके नूर को,
वतरकहुम फी ज़ुलुमातिल्ला युबसिरून, और छोड़ दिया उनको तारीखियों में कि वो ना देख सके। ये मिसाल यहाँ पे बयान की गई है। आग जलाने वाले ने आग जलाई, उसके बाद हुआ ये कि जब आग रोशन हो गई और उसके इर्द गिर्द का सारा माहौल रोशन हो गया, तो फिर अचानक उसकी आग बुझ गई और एकदम से अंधेरा छा गया। तो कितनी वाजे बात है, ये उन मुनाफिकों की मिसाल है कि जिनके सामने इस्लाम की रोशनी जगमगाई और हर तरफ इस्लाम का नूर उनके आसपास फैल गया, लाजार लोग इस्लाम में दाखिल भी हो रहे हैं, इस्लाम फैल रहा है, रोशनी ही रोशनी है, मगर ये कितने बदबख्त हैं कि जिन्होंने अपने अंदर से इनकार करके, दिल से इनकार करके उस नूर को अपने लिए बुझा दिया। इन्होंने दिल से इनकार कर दिया, ऊपर से इकरार किया, ऊपर से रोशनी की बात की, रोशनी का इकरार किया, वह इनके इकरार की सूरत में एक रोशनी फैली, मगर दिल के इनकार ने उस रोशनी को अंधेरे से बदल दिया। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया, डायरेक्ट उनके ऊपर ले जाके फरमाया, ज़हब अल्लाह बिनूरे, ले गया अल्लाह उनके नूर को। तो ये वही है, ले जाना जो है ये अल्लाह का, ये उसी तरफ इशारा है कि जब उनके दिलों ने इनकार किया उनका कि हम नहीं मानते, ऊपर से इकरार किया और अंदर से इनकार कर दिया, तो इसको अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ले गया उनका नूर। अल्लाह का ले जाना ये इस तरह हुआ है, वह तरह कहूँ फिर जुलुमात, और छोड़ दिया उनको जुलुमातों में। तो अल्टीमेटली नतीजा यही निकलेगा, जब कोई इस्लाम के नूर का इनकार कर देगा और उसकी रोशनी को अपने अंदर जाने नहीं देगा, तो फिर वो अंधेरों में ही भटकेगा, वो जुलमतों का शिकार रहेगा, वो तारीखियों में बहकेगा। तो उसके लिए अल्लाह ने फरमाया, वह तरह कहूँ फिर जुलुमात दिन, छोड़ दिया अल्लाह ने उनको जुल्मतों में, ला युबसिरून, और जुल्मतों में इंसान को नज़र कुछ नहीं आता, फिर तो कुछ नहीं देखते, फिर वो ना कुछ समझते ना कुछ देखते। ये है पहली मिसाल इन मुनाफिकों की। तो देखिए कितनी वाज़े मिसाल है ये ऐसे लोगों के लिए कि ये किस तरीके से अपने आप को महरूम कर लेते हैं। अब ये मुनाफिकों की मिसाल की हद तक इसको मत रखिए, बल्कि हर शख्स अपनी अपनी जगह अपने अपने लेवल पर इस मिसाल को अपने लिए समझने की कोशिश करे, क्योंकि किसी न किसी दर्जे में ये हादसा हर एक के साथ पेश आ सकता है, खुदा न खास्ता। ये इस्लाम की रोशनियाँ मुख्तलिफ अंदाज से फैली हुई हैं, मुनाफिकों ने तो एतिकाद की सतह पे उनको रद्द कर दिया, इसलिए वो तो काफिरों के ज़ुमरे में जा पड़े, मगर एक मुसलमान के लिए ईमान और अकीदे के बाद अमल की सतह पे, अखलाकियात की सतह पे, रूहानियत की सतह पर, तवज्जो इल्लाह की सतह पर भी बहुत सी रोशनियां हैं जिसका कि एक मुसलमान इकरार करता है ज़ुबान से, वो पूरे दीन को, दीन के तमाम अनवार को और उनकी रोशनियों को मानता है, लेकिन जब साथ में वो अपने दिल से उन चीज़ों को कबूल नहीं कर रहा होता, यानी उनको अपना नहीं रहा होता और उसमें वो दाखिल नहीं हो रहा होता, उस अमल को जब वो अपनाता नहीं है और इस्लाम के दीन के उस शोबे में जब वो उतरता नहीं है, उसमें दाखिल नहीं होता, तो फिर ऐसे मुसलमानों की रोशनियां भी बुझी रह जाती हैं उस सतह, वहां वो बिल्कुल नूर होके फिरते हैं। और जो अल्लाह के नेक और बरगजीदा बंदे होते हैं ना, कामिलीन, वो ऐसी सारी रोशनियों में कदम रखते हैं, वो सिर्फ जुबानी कलामी इकरार नहीं करते, बल्कि वो दिलो जान से उस रास्ते को इख्तियार भी करते हैं, और जब वो उसको इख्तियार करते हैं तो वो खल्क से खालिक की तरफ जा पहुंचते हैं, वो हमेशा जुल्मतों से निकलकर रोशनियों का सफर करने में लगे रहते हैं।
इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह वलीयुल लदीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह ईमान वालों का वली है, दोस्त है, और वो उनको निकालता रहता है जुल्मतों से नूर की तरफ, अंधेरों से उजालों की तरफ। तो देखिए आप, गोया के हमें इस मिसाल के अंदर झांकने से ये फायदा हो रहा है, हम इसको सिर्फ मुनाफिक की मिसाल समझ के ना छोड़ दें, बल्कि निफाक में बड़ी बारीकियां हैं, उन बारीकियों में जब देखें कि कहीं हमारे अंदर भी तो कोई ऐसी कैफियत नहीं, और किसी न किसी दर्जे में कि ये मिसाल हम पर भी तो सादिक नहीं आ रही, तो वहाँ फिर हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने सफ़र को जारी रखें कि किस तरह अंधेरे से निकल कर रोशनी की तरफ हमें जाना चाहिए। तो वरना इंसान अपनी अपनी सतह पर एक किस्म के अंधेरे में भटकता रहता है, और वहीं फिर उसके साथ ये भी होता है जैसे मुनाफिकों के लिए फरमाया सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यजऊन। एक वक्त वो आ जाता है कि इंसान ऐसा हो जाता है जैसे बहरा हो, गूंगा हो और अंधा, फहुम ला यजऊन, बस वो कभी नहीं लौटेंगे, नहीं लौटते फिर वो। तो ये हो जाता है इंसान के साथ कि जब वो अंधेरों का ही आदि हो जाए तो फिर वो अंधा बहरा हो गूंगा है, जब वो उस हक को बिल्कुल छोड़ के बैठ जाए, उस रोशनी को बिल्कुल छोड़ दे, तो एक दिन आता है कि वो उससे बिल्कुल नाबलद हो जाता। आज हमारी किताबों में लिखी हुई बहुत सारी ऐसी बातें हैं हमारे सूफिया की, हमारे बुजुर्गों की, कि अगर आज के मुसलमानों के सामने उन बातों को रखा जाए तो लोग न सिर्फ ये कि उसको समझने से कासिर हैं बल्कि वो उसके मुनकिर हैं, उनका इनकार ही कर बैठेंगे और उन अल्लाह वालों के दुश्मन हो जाए, उनके मुखालिफ हो जाएंगे कि ये इन्होंने क्या लिखा है और वो क्या लिखा। हालांकि वो बातें पहले दुनिया जानती थी। तो ये ऐसा होता है, इंसान जिस माहौल में अपने आप को छोड़ देता है उसी का आदि हो जाता है। रोशनी का सफ़र करने वाले रोशनियों की तलब में आगे बढ़ते हैं, और अंधेरों में भटकने वाले अंधेरों के असीर हो जाते हैं, और फिर उनकी मिसाल सुम्मुन बुकमुन उम्युन है। अल्लाह ने फरमाया इस सतह पे मोमिन मुनाफिक जो हैं, मुनाफिकीन, वो सबसे आगे हैं, और वो बिल्कुल बहरे हो गए हैं, गूंगे हो गए हैं और अंधे हो गए। और फरमाइए कि यहाँ अंधा बहरा गूंगा होना ये जिस्मानी माजूरी नहीं है, एक बात ये जहन में रखें। कुरान को जिस्मानी आवारिस से क्या है, उसका इलाज अल्लाह ने पैदा कर दिया है, वो हमें अपने तय करना चाहिए, और खुदा के यहाँ जिस्मानी कमी बेशी का कोई मेयार भी नहीं है। कोई अंधा है आँखों से तो उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाती, कोई बहरा है तो वो उसका दर्जा गिर नहीं जाता, कोई माजूर है तो वो कमतर नहीं है। अल्लाह के यहाँ इस किस्म का कोई फ़र्क नहीं है, न गोरे काले का फ़र्क है, न माजूर और गैर माजूर का कोई फ़र्क है, सब इंसान हैं, इंसान होने में सब बराबर है। खुदा के यहाँ अगर फ़र्क है तो किसी और किस्म के अंधे का फ़र्क है, और वो अंधा होना या बहरा होना और गूंगा होना दूसरी किस्म का है। और वो इंसान ज़ाहरी आँख रखने के बावजूद भी होता है, ज़ाहरी कान रखने के बावजूद और ज़ाहरी ज़ुबान रखने के बावजूद। क्या मतलब है? मतलब यह है कि इंसान आँख रखता है मगर हक को नहीं देखता, तो ये है वो अंधा जिसको खुदा ने अंधा कहा है। इंसान ज़ुबान रखता है मगर हक बात को नहीं बोलता, तो ये है वो बहरा जिसे खुदा ने बहरा फरमाया, माफ़ कीजिए गूंगा, जिसे खुदा ने गूंगा फरमाया। और इंसान कान रखता है मगर हक की बात नहीं सुनता, तो ये है वो बहरा। तो ये हैं वो अंधे, बहरे, गूंगे कुरान की नज़र में। और यकीनन ये ऐसे बहरे हैं और ऐसे गूंगे हैं और ऐसे अंधे हैं, ये कयामत तक ऐसे ही रहेंगे, और ये चीज़ उन्हें जहन्नम में ले जाएगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया वमन कान फी हादी आमा और फिल आखिरत आमा, जो इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा ही होगा। वो यही वाला अंधा तो है, रह गया वो माजूर शख्स
जिसका दिल रोशन है, साहिब ईमान है, मगर आंख से अंधा है, तो वो तो कयामत के दिन बाज़े रोशनियों में होगा और सब कुछ देखेगा, बल्कि वो यहाँ भी दिल की आंख से सब देख रहा है। इसी तरह बहरा जो कानों का बहरा है मगर हक बात सुनने का ज़र्फ रखता है और हक बात की तरफ माइल लेता है, वो कयामत में सब सुनेगा। इसी तरह गूंगा भी वहाँ सब बोलेगा, मगर दिल का अंधा, दिल का बहरा, दिल का गूंगा यहाँ भी माजूर रहेगा और वहाँ भी माजूर रहेगा। अल्लाह ने फरमाया ये मुनाफिक इसी तरह है, सुम्मुम बुकमुन उम्युम, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। फौमला यर्जिउन, बस वो नहीं लौटेंगे। नहीं लौटना एक खौफनाक किस्म की खबर है, अल्लाह जिसे फरमा दे कि नहीं लौटेंगे तो ये उसके अंजाम की कोई खबर दे दी गई। तो बहरहाल ये पहली मिसाल हुई और मैंने तफसील से इस पर ये चंद बातें आपके पेश गुजार की। अब आइए दूसरी मिसाल की तरफ बढ़ते। दूसरी मिसाल है औ का सैयब मिन समा फीह ज़ुलुमातुन व रादुन व बर्क, या फिर इनकी मिसाल उस बारिश की तरह है, मूसलाधार बारिश। देखिए अब ये भी एक ऐसा फिनोमेना है जिसका तजर्बा सबको है, सब देखते हैं बारिश होती है तो क्या समा होता है। पर मैं मिला समा है आसमान से, समा कहते हैं आसमान को, मिला समा ई फी ही जुलुमात के जिसमें जुलमतें, अंधेरा, तारीकियां, ये जुलमतुन की जमा है, दोबारा आया ये लफ्ज, पहले भी आया जुलुमात, जुलमतुन की जमा है जुलुमात, तारीकियां, अंधेरे, व राद, और राद है गरज, कड़क, बिजली की जो गरज होती है ये भी हम सुनते हैं, व बर्क, और बर्क यानी चमक, बर्क। तो ये सब उस बारिश के अंदर है, ये पूरा एक मंजर है, एक ऐसी बारिश हो रही है। और फिर फरमाया यजअलूना साबिअहुम फी आदानिहिम, ऐसी बारिश में अगर कोई घिर जाता है तो उसका क्या हाल होता है। अल्लाह ताला फरमाता है वो अपनी उंगलियों को अपने कानों में करते हैं, यजअलूना असाबिअहुम, असाबे कहते हैं उंगलियों को, फी आदानिहिम अपने कानों में, आदान कानों को कहते हैं, वो दोनों उनकी जमा है, मैंने सवाई के उस बिजली की कड़क की वजह से, जोरदार कड़क आवाज आ रही है उसकी वजह से कानों में उंगलियां ठूसने लगते हैं, हैदर अल मौत, मौत के खौफ से, वल्लाहु मुही तुम बिल काफिरीन, और अल्लाह ताला काफिरों को घेरे हुए, यकादुल बर्कु यख्तफु अबसारहु, फरमाता है करीब है कि बिजली उनकी आंखों को उचक ले, यख्तफो उचक ले, अब सा रहा हूं उनकी आंखों को, कुल्लमा अगौ अलहम, जब जब रोशन हो जाता है उनके लिए, ये लफ्ज ऊपर भी आया था अगौ अथ, मैंने बताया था रोशन होना, और यहां फिर दोबारा आया अगौ अ, ऊपर मोनस के सीगे के तौर पे आया और इधर मुजक्कर कसी का बनकर आया, कुल्लमा अगौ अलहम, जब रब जब जब रोशन हो जाता उनके लिए, मशाउफी तो वो उसमें चलने लगते। अब बिजली जब चमकती है ना तो एकदम से रोशनी हो जाती। अब अंधेरा, हमने इस मिसाल में अंधेरा फर्ज किया गया है और ये रात का मंजर है और उसमें जाहिर बिल्कुल तारीकी है, उसमें अब बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है, तो बिजली जब चमकेगी तो आदमी देखेगा अपने सामने तो फिर उसमें चलने की कोशिश करेगा, उसे अपनी मंजिल पर पहुँचना है तो वो इस तरह चलेगा, मशाउफी है तो वो चलने लगते हैं उसमें, वहीदा अज़लमा अलैहिम, और जब छा जाती है उन पर तारीकी कौम तो वो रुक जाते हैं। ऐसे ही होता है जब बिजली चमकना बंद हो जाती है और तारीकी छा जाती है तो इंसान रुक जाता है कि पता नहीं आगे क्या पढ़ाऊँ। ये मिसाल चल रही है इन मुनाफिकों की, वलौ शा अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम वअबसारिहिम, और अगर अल्लाह चाहता तो ले जाता इनके कान और इनकी आँखें।
इन्नल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ये हम मिसाल मुकम्मल हो गई। दूसरी मिसाल, मिसाल तो हमारी समझ में आ गई, बिल्कुल वाज़े बात है, हर शख्स इसको जानता है, इसको समझाने के लिए कोई ऐसी बहस की ज़रूरत ही नहीं। मगर अब देखना यह है कि ये मिसाल मुनाफिकों पर किस तरह मुंतबिक होती है और किस तरह उनके उनकी हालत को ये बयान कर रही है। तो देखिए, बिजली जो है ना, ये बारिश जो है, बारिश का जिक्र हुआ तो बारिश जो बरस रही है, मूसलाधार बारिश, इससे मुराद इस्लाम है। दीन इस्लाम बारिश की तरह ही तो है। जिस तरह बारिश जब बरसती है तो ज़मीन पर हर तरफ सब्ज़ा उग जाता है, उसकी बरकतें ज़ाहिर होती हैं, इसी तरह दीन जब नाजिल हुआ तो उसकी बरकतें, उसके आसार हर जगह फैलना शुरू हो गए। फिर उसके बाद फरमाया फी ज़ुलुमातुन व रात, अब उस बारिश में तारीकियां भी हैं और गरज भी हैं, ये खौफ की अलामतें हैं दोनों, ये तारीकी और गरज है जिससे इंसान डरता है। तो ये गोया इस्लाम के दुनिया में आते ही जो मसाइब पेश आए ना, जो मुख्तलिफ आजमाइशें आई, मसाइब पेश आए, तकलीफें उठानी पड़ी, तो ये उसकी तरफ इशारा है। इस्लाम की बारिश हुई और उसके साथ मसाइब का सिलसिला भी शुरू हुआ, और ये मसाइब और ये आजमाइशें इसलिए पेश आईं और ये मुश्किलात इसलिए पेश आईं कि जो दुश्मन थे इस्लाम के, जो दुश्मन हुए, जिन्होंने मुखालफत की, जिन्होंने अदावत रखी, जिन्होंने बुग्ज व हसद से काम लिया, वो उसके मुकाबले में आ गए और वो इस्लाम का रास्ता रोकने के लिए खड़े हो गए और मुसलमानों को वो तकलीफ़ें पहुंचाने लगे, अजियतें देने लगे, यहाँ तक कि उनसे फिर किताल भी हुआ। तो इस हवाले से आजमाइश आई। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ है बर्क, तो बिजली भी चमकी, उस बारिश में बिजली भी चमकी है और इस बिजली से मिसाल दी जा रही है उस चीज़ की जो इन आजमाइशों, इन मसाइब के दरमियान जो इस्लाम को कामयाबी मिलती थी ना, और जो फतूहात हासिल होती थी और गलबा हासिल होता था दुश्मनों पर, इससे वो मुराद है। तो वो चीज़ भी साथ साथ पहलू ब पहलू चल रही थी, साइड बाय साइड वो चीज़ भी नज़र आ रही थी। आजमाइशें बेशक बड़ी सख्त थी, खौफनाक थी, जैसे बिजलियाँ, जैसे ये जुल्मतें और जैसे गरज, लेकिन उसके अंदर एक फतूहात के सिलसिले भी थे, उसकी रोशनियां भी थी। अब इन मुनाफिकों का हाल ये था, इस सारे पस मंजर में मुनाफिकों का जो किरदार था वो इस तरह का था कि जब ये आजमाइशें देखते थे, जब ये देखते थे मुश्किलात का दौर चल रहा है और जानो माल को खतरा लाहिक हो रहा है, तो इनका खौफ से वही हाल होता था जो कि यहाँ बिजली से और इस बारिश से डरने वालों का हाल, इस बारिश की वजह से, जुल्मतों की वजह से और रात की वजह से डरने वालों का हाल था। यानी अपने कानों में उंगलियां ठूस रहे हैं और मौत का उन्हें डर लगा हुआ है। तो ये मुनाफिकों का वो हाल है कि जब वो देखते सख्तियाँ तो पीछे हट जाते थे और वो डरते थे, बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे, डर जाते थे। जबकि मुसलमानों का मामला इसके बरक्स था। मुसलमान जो थे मोमिन मुखलिस, वो तो सरों से कफन बांध के बार बार अपने आका की खिदमत में हाजिर हो जाते थे और कहते थे आप हमें जैसे हुक्म फरमाएं, जहां इरशाद फरमाया वो काम करेंगे और वहां तक जाएंगे। जैसा कि बदर के मार्के में मुसलमानों ने जिन जज्बात का मुजाहरा किया था, सुभान अल्लाह, कि वो तकरीर जो है तारीख का हिस्सा बन गई, जो सहाबा किराम ने उस वक्त फरमाई थी और कहा था कि हम बनी इसराइल जैसे नहीं हैं। अल्लाह के रसूल, आप हमसे अगर पूछ रहे हैं तो हम बनी इसराइल नहीं हैं कि अपने नबी से कह दें कि आप जाएं अपने रब को ले जाएं, बस आप लोग लड़ें, तो कातिला इन्ना हाउना कायदुन, और हम बैठे हैं बस। हम उनकी तरह नहीं कह सकते। हम तो कहते हैं आप हैं, आपका रब हमारे साथ है और हम आपके साथ लड़ेंगे, आपके साथ मिलकर
दुश्मनों से मुकाबला करेंगे, अपनी जानें पेश करेंगे। अल्लाह ने इन मुसलमानों की इन्हीं कुर्बानियों की वजह से और इनके हौसलों और हिम्मतों की वजह से एक आयत में ये फरमाया कि ये असहाब का मकाम देखें अब आप, कि दीन जो फैला है तो इन असहाब की कुर्बानियों से फैला। अल्लाह ताला ने फरमाया मिनहुम व मिनहुम मन कदा नहबहू व मिनहुम मन यंतज़िर। ये कैसे लोग हैं कि देखो कितने कुर्बान हो गए अपनी नज़रें पूरी करते करते, और जो नहीं हो सके कुर्बान तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमको कब हमारी कुर्बानियाँ पेश होंगी। ये था उनका जज्बा। तो इन जुल्मतों से और ये राद व बर्क से ये मुसलमान डरने वाले नहीं थे, बल्कि मुनाफिकों की मिसाल है कि वो डरे, और ऐसे डरे जैसे कि कोई बिजली में, बारिश में और इन आफतों में फंस जाए तो फिर वो कैसे घबराता है। उसके बाद फिर फरमाया कि वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह काफिरों घेरे हुए। एक ऐसी मिसाल के बाद ये फरमाना, ऐसी मिसाल जिसमें सारी फजा हम देखते हैं घिर गई है, बादल सर पे, अंधेरा छाया हुआ, हम बिल्कुल फंसे हुए हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया इसके अंदर फंस चुकी है और कोई इंसान बचने का, निकल जाने का, इस माहौल से बाहर निकल जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। चाहे आप रॉकेट बना लें, चाहे बड़े बड़े जहाज बना लें, चाहे आप दुनिया की कोई भी ताकतवर मशीनरी ले आए, इस फजा से निकलना इंसान के लिए नामुमकिन हद तक हो जाता है। आज अगरचे इंसान दूसरे ग्रह पे चला जाता है, दूसरे सैयारों पे चला जाता है, मगर वो आर्जी है, हमेशा के लिए कोई नहीं जा सकता, उसे बहरहाल इसी आसमान इसी जमीन के अंदर रहना है। तो ये एक ऐसा माहौल है जिसमें इंसान घिरा हुआ नजर आ रहा है। तो अल्लाह ने इसी मौके की मुनासिबत से फरमाया वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, देखो अल्लाह काफिरों को घेरे हुए। यहाँ फौरन ये तसव्वुर दे दिया कि तुम कुफार को ऐसा ना समझ लो कि वो कोई खुदा को आजिज कर देंगे, खुदा को मगलूब कर देंगे, वो अपनी ताकत से खुदा को जेर कर लेंगे। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। खुदा तो ऐसी मिसालों से हमें बार बार घेर के बताता रहता है कि मेरी ताकत कितनी है। तो इसलिए उसने ये बता दिया वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, इनकार करने वाला, बगावत करने वाला दुनिया के बादशाहों पर गालिब आ सकता है और उनके पंजे से बच के निकल सकता है, मगर खुदा का मुनकर खुदा से ढील पाकर तो कुछ वक्त पा सकता है, मगर अपनी मर्जी से वो एक सांस भी नहीं ले सकता और कहीं नहीं जा सकता वो भाग कर। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह काफिरों को घेरे हुए, और जब वो पकड़ने पे आएगा तो कोई बचकर नहीं जा सकेगा। जैसे आज उसने एक वायरस के जरिए से पूरी दुनिया को पकड़ा हुआ है और बड़ी बड़ी ताकतें उसके आगे आजिज और बेबस हो चुकी हैं। अमरीका का सारा गुरूर खाक में मिल गया, कहाँ है उसकी मशीनरी, कहाँ है उसकी टेक्नोलॉजी, कहाँ उसकी ताकत। दुनिया को ख़त्म कर देने की बात करते थे बार बार, अफगानिस्तान को ऐसे ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान को ऐसे मिटा देंगे, फलां का नाम और निशान मिटा देंगे। आज ये हाल है कि ना नज़र आने वाली मखलूक के हाथों बेबसी की मौत मारे जा रहे हैं। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिर, अल्लाह ने सच फरमाया है, अल्लाह काफिरों को घेरे हुए हैं। आज के काफिरों को भी घेरे हुए और कल के काफिरों को भी उसने घेरा हुआ था। आगे फरमाया यकादुल बर्क यख्तफ अबसारहुम, करीब है कि बिजली उचक ले उनकी आंखों को। ये मंजर है कि जब बिजली चमकती है तो ऐसा लगता है आंखें चली जाएंगी। कुल्लमा उदा लहुम अशौफी, अब उसमें वो जब इंसान देखता है रोशनी हो गई तो चलने लगता है। तो ये मुनाफिकों की उस नेचर की तब इशारा है जिसमें वो फायदे की बात देखते, आसानी का पहलू देखते तो इस्लाम की तरफ लपकने लगते थे, बढ़ने लगते थे। मैंने कहा ना बिजली से मुराद इस्लाम की फतुहात और आसानियां, और जो गनीमतें मुसलमानों को हासिल होती थी ये वो बिजलियां हैं। तो जब ये नजर आती है तो उधर बिजली में जैसे इंसान चलने लगता है, ऐसे ये जब इस किस्म की नेमतें देखते थे तो ये भी आगे बढ़ के कहते थे भाई हम भी आप ही की तरह, हम भी आपके साथ हैं। और वहीदा अजलम अलहिम कौम, और जब ये चीज़ें ये सिलसिले बंद हो जाते, रुक जाते, और फिर वो ये आजमाइशों और मुश्किलात की तारीकी का दौर आता तो ये पीछे हट जाते थे, जैसे वो शख्स जो तारीकी में खड़ा रह जाता है तो ये भी पीछे हटना शुरू हो जाते थे, रुक जाते और कहते नहीं नहीं बस
ये हम आप हम में आप में फर्क है, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, इस तरह की बातें होती थी। ये है जनाब एक मुनाफिक का किरदार। तो ये ट्रायल एंड एरर, एक कदम आगे एक कदम पीछे, सुबह कुछ शाम को कुछ, जिसको कुरान ने दूसरी जगह फरमाया मुदब्बी न बैन दालिक ला इला हाउला वला इला हाउला। ये कैसे डावर डोल होते रहते हैं, हेजिटेशन का शिकार, ना इधर के ना उधर के। किसी शायर ने कहा ना खुदाई मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बस ये इस तरह के डावर डोल किस्म के लोग। इनकी नफ्सियात में हमेशा हेजिटेशन भरी रहेगी, तरद्दुद का शिकार रहेंगे। पीछे अल्लाह ने फरमाया फिर कुलूब मरद, इनके दिलों में मरज है। तो ये मरज इनको बस इसी तरह डावर डोल करके रखता है और लुढ़काता रहता है इधर उधर। तो ये तरद्दुद की कैफियत में है। अब चूंकि तरद्दुद वाले लोग हैं, ये ऊपर वाले लोगों के लिए कहा गया था कि उन्होंने तो इनकार ही कर दिया, तो जैसे किसी का चिराग गुल हो जाए, किसी की रोशनी भुज जाए, तो उनका तो ये हाल हुआ था। तो अल्लाह ने फरमाया बस उनका तो नूर अल्लाह ले ही गया। मगर इनका मामला ये है कि ये तरद्दुद में है, हेजिटेशन में है, कि कभी आगे कभी पीछे, कभी सोचते हैं इस्लाम की नफर आसानियां देख करके चलो इस दीन में दाखिल ही हो जाओ, और कभी फिर आजमाइशें आती सख्ती आती है तो फिर कहते हैं कि नहीं ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो इनकी इस मुख्तलिफ कैफियत की वजह से अल्लाह ने अपने उसलूब को बदला है और इनके हक में वो नहीं फरमाया जो पहले वालों के हक में फरमाया था। पहले वालों के हक में क्या फरमाया था कि अल्लाह ले गया उनका नूर, छोड़ दिया उनको तारीकियों में और बहरे हो गए, वो गूंगे हैं, अंधे हैं, नहीं लौटेंगे। और इनके लिए फरमाया वलौ शा अल्लाहु लज़हब बिसमिहिम व अबसारिहिम, अगर अल्लाह चाहता तो ले जाता इनके कान समात और इनकी आंखें। ये देखिए ये एक शर्त के साथ फरमाया अगर चाहता। तो गोया के जब इनके अंदर कुछ तरद्दुद था और कुछ आगे बढ़ दें कि सकत इनमें देखी गई, तो इनके लिए एक दरवाजा खुला रखा गया कि शायद कोई बढ़ते बढ़ते उस दरवाजे से दाखिल ही हो जाए। तो ये है खुदा की शान। इसलिए कहते हैं इंसान जैसा खुदा के साथ पेश आता है वैसे खुदा उसके साथ पेश आता है। तो ऊपर वालों ने तो गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी और बिल्कुल इनकार करके बैठ गए, तो उनके लिए फरमाया अल्लाह उनका नूर ले गया और वो अंधे बहरे और गूंगे हो गए। और इनका मामला ये था कि एक कदम आगे एक कदम पीछे। तो अल्लाह ने फरमाया अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद कर देता, लेकिन चूंकि तुम आगे भी आते हो और इधर भी लपकते हो और देखते रहते हो, तो अल्लाह भी उसकी रहमत भी इंतज़ार करती है कि कोई और आगे बढ़ के उसमें दाखिल हो जाए। कैसा करीम है वो, कैसा उसका अदल है, कैसी उसकी मेहरबानी है। तो सोचने वाली बात है कि हम अगर मुसलमान होकर के कभी उसको याद करते हैं तो कैसे हो सकता है कि वो हमारी पुकार हमारी दुहाई को रद्द फरमाए, और हमारे लिए चाहे हम कितने गुनाहगार सही हमारे लिए अपने दरवाजे बंद करके बैठ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर तू ये जानना चाहता है कि खुदा तुझसे कितना राजी है, तो तू अपने अंदर झांक के ये देखा कर कि तू खुदा से कितना राजी है। जितना तू खुदा से राजी होगा उतना खुदा तुझसे राजी होगा, और जितना तू खुदा से नाराज रहता है उतना खुदा भी तुझसे नाराज है। एक बुजुर्ग फरमाते थे कि मुझे मालूम चल जाता है कि मेरा रब मुझे कब याद करता है। ये हजरत शिबली थे, हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते थे मुझे मालूम हो जाता है कि मेरा रब मुझे कब याद करता है। लोगों ने कहा कि आपको कैसे मालूम हो जाता है कि आपका रब आपको कब याद करता है। उन्होंने फरमाया जब मैं उसे याद करता हूँ तो वो मुझे याद करता है, इसलिए कि वो फरमाता है फद कुरूनी अदकुरकुम, तो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। कैसा यकीन है लोगों को। तो यही बात है असल में, हम अल्लाह की ज़ात को पहचानते नहीं हैं, उसके वादों को हम समझते नहीं हैं, वो कितना मेहरबान है हम इसका अंदाज़ा नहीं लगाते। तो इंसान को चाहिए कि कभी मायूस ना हो और जब भी उसका नाम ले तो ये इस यकीन के साथ ले कि वो सुन लेता है, सुनता है और जवाब देता है। फरमाया वलौ शा अल्लाहु लज़हब बिसमिहिम व अबसारिहिम, और आखिर में फरमाया इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है।
बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। यहाँ पर ये मिसाल मुकम्मल हो गई, दोनों मिसालें आपके जहन में आ गई होंगी। अच्छा, एक बात ये कि जितने ऑडियंस यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा हो तो उसे नोट कर लें, आखिर में आपका सवाल इंशाल्लाह हम अटेंड करेंगे। तो अभी ज़रा सा इसको थोड़ा सा और मुकम्मल कर लेते हैं। ये मिसालें तो यहाँ मुकम्मल हो गई, मगर आखिरी आयत में जो बात आई है ना, ये हमारे अकीदे की बुनियाद है। अल्लाह ताला के बारे में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसे क्लियर करने की ज़रूरत है और जिसके बारे में जिसका सही से अकीदा रखना ज़रूरी है, और वो ये है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर कादिर है, सब कुछ कर सकता है, कोई चीज़ उसके लिए नामुमकिन और मुहाल नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। ये बात हमारे अकीदे में दाखिल है, बचपन से अपने माँ बाप से और सबसे ये सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर। अच्छा, अब इस चीज़ की बुनियाद पर बाज़ लोग बड़े अजीब सवालात करना शुरू कर देते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि उन्हें ये समझ नहीं आई कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, इसका मतलब क्या है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत बारीक बात है। बाज़ लोग ये पूछने लगते हैं कि क्या अल्लाह ताला अपने जैसा खुदा बना सकता है, तो ज़ाहिर है कि इसका जवाब ये है कि नहीं, अल्लाह ताला अपने जैसा खुदा क्यों बनाएगा और क्यों कर बना सकता है वो। ऐसे बाज़ लोग कहते हैं कि क्या अल्लाह ताला अपने आप को फना भी कर सकता है, ज़ाहिर है कि इसका जवाब भी यही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो ये सोचते हैं कि फिर ये कैसा हुआ कि वो हर चीज़ पे कादिर है। जब हम कहते हैं हर चीज़ पे कादिर है, तो फिर ये काम भी वो कर सकता हो, अपने जैसा खुदा बना सके, अपने आप को फना कर सके, अपनी औलाद पैदा कर सके, वगैरह वगैरह। ऐसे बदनी कितने सवालात शैतान है ऐसे जहनों में डालता है। तो याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप जिस तरह का चाहें सवाल उठा दें, बल्कि हमें पहले इस आयत का मफहूम समझना होगा और इस अकीदे का मतलब समझना होगा। अगर मैं कुरान के लफ्ज़ की रोशनी में ये बात समझाऊँ, तो मैं इसको इस तरह समझाऊँगा कि अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन। शैइन किसको कहते हैं? देखिए, जब तक आप अरबी की थोड़ी बहुत भी शुद्ध बुद्ध नहीं समझेंगे, आपको दीन की हकीकत का पता नहीं चलता। इसीलिए ये जो अरबी पढ़ाई जाती है दीनी मदारिस में, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। शैइन किसको कहते हैं? उर्दू में तो कहते हैं चीज़। उर्दू से तो हमारी समझ में नहीं आएगा कि चीज़ का क्या मतलब है, बस हर चीज़ चीज़ ही है। मगर अरबी हमें बताती है कि जिस ये जो शय कहा जाता है चीज़ को, तो शय का जो लफ्ज़ है ये बना है शाह यशाओ से, यानी चाहने से। इसके माना में, इसकी हकीकत में चाहने का मफहूम दाखिल है। इसी से मशियत बना है। शय जो है यही मादा मशियत में है, चाहना, चाहना। तो शय का मतलब है हर वो चीज़ जिसको उसने चाहा। ये चाहत के मफहूम है, जिसको चाहा। देखें, हम पूरी दुनिया को शय कहते हैं, उर्दू में चीज़ बोलते हैं, अंग्रेजी में थिंग बोलते हैं, मगर अरबी में शय बोलते हैं। अरबी कितनी शानदार ज़ुबान है कि हर चीज़ को शय बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें इसलिए शय हैं कि इनको अल्लाह ने चाहा, यानी चाहा का मतलब पैदा करना चाहा। ये मतलब नहीं उनको पसंद किया, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हैं, जैसे काफिर भी हैं, गुमराह भी हैं, शैतान भी हैं, तो उनको अल्लाह ने पसंद तो नहीं किया ना। हम बात कर रहे हैं चाहने की, पसंद करने की नहीं कर रहे। पसंद करना और है और चाहना यानी मशियत और है। मशियत इसको कहते हैं ना, रिजा और है, मशियत और है। तो अब ये हर चीज़ को जो शय कहा जाता है, एक जर्रे से लेकर पहाड़ तक, अच्छे से बुरे तक, बुरे से अच्छे तक, हर चीज़ को शय कहा जाता है। तो हर चीज़ को खुदा ने पैदा करना चाहा तो पैदा हो गई, इसलिए हर चीज़ शय है, इसलिए शय कहते हैं। इस दुनिया को इस माना में शय कहा जाता है। अब अल्लाह फरमाता है कि वो हर शय पर कादिर है। तो अब इस माना, इस मफहूम को जहन में रखें, यानी कि वो ये कहना चाहता है कि जिस जिस चीज़ के साथ उसकी मशियत का ताल्लुक होगा, चाहे वो पैदा हो चुकी
और चाहे वो कभी मुस्तकबिल में पैदा होगी, बहरहाल वो हर उस चीज पे कादर है जिसको वो चाहेगा, जिसको वो चाहेगा उस पे वो कादर है। ये इसका मफहूम निकल कर आ गया सामने, जिसको वो चाहेगा, जिसके साथ उसकी मशीयत वाबस्ता होगी, जिसको पैदा करना चाहे, जिसके साथ कोई तब्दीली चाहे, तो उस पे वो कादर है। यानी कि कुदरत का मतलब ये हुआ यहां, और यही हकीकत में कुदरत है कि हम जो चाहें वो हम कर सकें, ये कुदरत है। तो अल्लाह की शान सबसे बड़ी है, उसके हक में कुदरत ये है कि जो वो चाहे वो कर सके, जो वो चाहे। तो अब बात क्लियर हो गई कि जब ये सवाल किया जाता है कि क्या वो दूसरा खुदा पैदा कर सकता है, तो हम ये कहते हैं कि वो दूसरा खुदा चाहता ही कब है, दूसरा खुदा चाहता कब है वो। इसी तरह क्या वो अपने आप को फना कर सकता है, तो हम ये कहेंगे कि वो अपने आप को फना करना चाहता ही कब है, जब वो अपने आप को फना करना चाहता ही नहीं, जब वो दूसरा खुदा पैदा करना चाहता ही नहीं, तो फिर ये कैसे हो सकता है। जाहिर है तो इससे कुदरत का कोई ताल्लुक नहीं है। कुदरत का ताल्लुक उस चीज से है जो वो चाहे, और इसी तरह कुदरत की नफी वहां होगी जहां के वो चाहे और ना कर सके। सीधी सी बात है, एक छोटे से बच्चे की अकल में भी ये बात आ जाएगी कि हम इसलिए आजिज हैं कि हम जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते, और अल्लाह की शान ये है कि वो जो भी चाहता है वो कर सकता है, और जो वो नहीं चाहता वो नहीं करता, वो नहीं करता। तो वो दूसरा खुदा नहीं चाहता, लिहाजा दूसरे खुदा का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अपने आप को फना करना नहीं चाहेगा, इसलिए उसके फना होने का तसव्वुर नहीं। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जब उसने अपने आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन डिक्लेयर कर दिया और ये फरमा दिया कि आप आखिरी नबी हैं, तो गोया उसने ये चाहा कि आप आखिरी हैं और आखिरी रहें, इसलिए अब आपके बाद जाहिर है कि वो किसी और नबी को चाहता ही नहीं है। और जब वो किसी और नबी को नहीं चाहता तो इसका मतलब है आपके बाद अब कोई नबी नहीं आ सकता। और इसी तरह आप उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेमिसाल और बेनजीर बनाया है, और नहीं चाहा उसने, ना वो चाहेगा कि हुजूर जैसा कोई दूसरा हो, तो इसलिए हम कहते हैं हुजूर जैसा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, ना पहले कभी आया ना आइंदा कभी आएगा। ये सब अल्लाह की मशीयत से है। तो जो उसने चाहा वो कर रहा है, और वही कर सकता है, और वही करेगा। जो नहीं चाहता वो कैसे हो सकता है। ये एक बिल्कुल आसान सी बात हो गई, लफ्ज़ शय में गौर करने से हमारी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसी तरह वो सवाल भी वो शैतानी ख्याल है कि अल्लाह ताला ऐसा पत्थर बना सकता है कि जिसको खुद ना उठा सके। बताइए तो क्यों बनाएगा वो चाहता ही नहीं कि इस तरह अपने आप को आजिज करे। और अब मैं जरा थोड़ा सा इसको और ब्रॉड बेस्ड करके जरा वजाहत करना चाहूँ। वैसे तो बात क्लियर हो गई, यहाँ पे बात मुकम्मल हो जानी चाहिए, मगर एक और हकीकत आप अपने जहन में रख लें कि खुदा की ज़ात और सिफात में तजाद नहीं है। खुदा की ज़ात और सिफात में तजाद नहीं है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा की एक सिफत जो है इस तरह हो कि वो एक रुख को बताए और दूसरी सिफत जो है वो फिर उसकी नफी करे। खुदा की एक शान और दूसरी शान आपस में टकरा जाए, खुदा के दो मामलात आपस में टकरा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यानी मतलब यह है कि खुदा अगर कदीर है, कादिर है, तो वो आजिज नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, यानी अब वो ऐसा नहीं चाह सकता कि वो आजिज हो जाए, जैसा कि सवाल करने वाले सवाल उठा रहे हैं, इस तरह के शैतानी ख्याल जहन में आ रहे हैं कि खुदा अपने आप को ख़त्म कर ले या दूसरा खुदा बना दे। नहीं, ये तो वो आजिज आ जाएगा, तो वो ऐसा नहीं चाहेगा क्योंकि फिर टकराव पैदा हो जाएगा और उसकी कुदरत की नफी होगी। जैसे मिसाल के तौर पर खुदा अलीम है, इल्म वाला है, तो खुदा अब जहल से मुतसिब नहीं हो सकता। ज़रूरी है कि उसका इल्म हो, हमेशा हो और हर चीज़ के बारे में। ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा किसी चीज़ से जाहिल रहना चाहे और जाहिल हो जाए, नऊज़ुबिल्लाह। और इसी तरह वो समी व बसीर है,
तो बस लाजिमन वो देखेगा और सुनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी आंखों को बंद कर ले, उसकी आंखें ही नहीं है, आंखों से पाक है। हम अंधे हो सकते हैं, हम अपनी आंखें फोड़ सकते हैं, मगर खुदा अपनी बसारत को जाहिर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सुनना छोड़ दे, वो बहरा हो जाए, नहीं। तो खुदा के अंदर जो भी चीज है वो वजूबी तौर पर है, यानी उसका होना लाजमी है, और उसके अगेंस्ट का ना होना लाजमी है, उसके एंटी कोई चीज उसका ना होना लाजमी है। तब तो वो खुदा इस तरह खुदा है कहार हो, खुदा जुल जलाल वल इकराम है कि उसका वजूद छाया हुआ है और वो हमेशा से हमेशा रहेगा। हमारी तरह अगर इस तरह वो एंटी एग्जिस्टेंस यानी कि वजूद और अदम वजूद इन दोनों चीज़ों को कबूल करे, पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों चीज़ों को रखे, और अपनी ज़ात व सिफात में अपने टकराव पैदा कर ले, तो खुदा फिर बाकी कहाँ रहेगा? वो तो ख़त्म हो जाएगा, वो तो हमारी तरह हादिस होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। अल्लाह की शान ये नहीं है, अल्लाह तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा और अपनी तमाम शानों के साथ कायम है। उसके मामलात में कोई तगय्युर तबदुल नहीं आ सकता, इसलिए कि वाजिबुल वजूद है और हमारा वजूद मुमकिन है, मुमकिनुल वजूद है। हमारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह का होना ज़रूरी है, तभी कायनात कायम है। खुदा अगर नहीं होगा तो कायनात भी नहीं होगी। इसलिए मिर्ज़ा गालिब ने एक शेर कहा था, न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता, डिबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। वाखरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कर सकती हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके जवाब के लिए। सवाल कोई नहीं है मेरे ख्याल में, चलिए ठीक है, तो हमारे लिए आसानी है, इसमें टाइम भी हो गया। कोई सवाल नहीं, टॉपिक सेट के भी कोई सवाल है तो वही पूछ सकते हैं। हाँ कोई और सवाल हो, फिर का सवाल हो वही पूछ सकते हैं। चलिए आज अभी उसके बाद लॉकडाउन के बाद पहला मौका है ना, तो शायद ज़हनी तौर पे तैयारी नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल जो बात कही गई है, अभी जो मजमून आए हैं ये तो क्लियर हो गए ना, ये तो समझ में आ गए होंगे। ये बहुत अहम बात है जो आखिर में मैंने ये ख़ास तौर पे आपके सामने रखा है ना, अकीदे का मसला, ये बहुत अहम बात है, इसमें कोई तिशनगी नहीं रहनी चाहिए। और ये जो बाज़ सवालात जहन में आते हैं अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में, शैतानी ख्यालात और वसवसे होते हैं, और हमारी कम इल्मी की वजह से वो हमारे अंदर जगह पा लेते हैं। तो हमें सीखना सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। इंशाल्लाह आइंदा भी बहुत अहम बातें आ रही हैं। आइंदा जो मजमून है, या यो नासो उबुदू, ए लोगो अल्लाह की इबादत करो, इबादत का मैं मफहूम अर्ज़ करूँगा, या का नाबुदू में भी आ चुका था, फिर उसको रिवाइज़ करेंगे और शायद कुछ और नई बातें भी उसमें आ जाए। इबादत क्या होती है, ताज़ीम किसको कहते हैं, शिर्क किसको कहते हैं, ये वजाहत इंशाल्लाह होगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है।